हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल के बारे में, जो आपको बिल्कुल CSC जनसेवा केंद्र जैसी सभी सुविधाएं सुकराता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए इसकी सर्विसेज के बारे में, तो ये दो प्रकार की सर्विसेज हमें सुकराते हैं, एक B2C सर्विस और एक G2C सर्विस। B2C सर्विस में आप देख सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं आप, APS यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी आधार से बैलेंस इंक्वायरी और पैसे भी निकाल सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, BBPS की सभी सुविधाएं ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट पे कर सकते हैं और LIC बिल पेमेंट कर सकते हैं, और ATM भी मिल जाता है इसमें आपको, और माइक्रो ATM भी मिल जाता है, एंड्रॉयड ATM मशीन मिल जाती है, KIOS के बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं B2C सर्विस के अंदर। और इसमें आप लगभग 5 बैंक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। और ट्रेवलर सर्विस में बात की जाए तो होटल बुकिंग आ जाता है, बस बुकिंग आ जाती है, फ्लाइट बुकिंग आ जाती है, IRCTC जैसी बहुत सारी सर्विसेज हैं, और पैन कार्ड आप NSDL और UID UTI से भी अप्लाई कर सकते हैं। और बात की जाए सेकंड नंबर G2C सर्विस के बारे में, तो इसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और बहुत सारे सर्टिफिकेट देखने को इसमें मिलते हैं आप। GST संविदा केंद्र की चार सर्विस देखने को मिलती हैं अपनी, न्यू GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न वाले, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS इत्यादि की सर्विस आपको देखने को मिलती हैं। और अदर सर्विस की बात की जाए तो इसमें आप वोटर ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फूड लाइसेंस एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ई कॉमर्स के लिए कर सकते हैं, EPFO ऑनलाइन और वाइट लेवल, पैन कार्ड तो वही, बस ये बहुत सारी सर्विस थी इसके अंदर। और बात की जाए इसके इनकम कैलकुलेटर के बारे में, तो बात की जाए आपके इनकम कैलेंडर के बारे में, तो कुछ इस तरह की आपकी इनकम हो जाएगी इस डिजिटल पोर्टल की ID लेने के बाद। आपको कुछ इतना आपको कमीशन मिला करेगा, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसकी ID लेना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको अपना शॉप नेम डाल लेना है, ओनर नेम डाल देना है, और स्टेट सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है, उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है। और ये आपको चार तरह की जो ID देते हैं, जोनल हेड ID ले सकते हैं आप, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के ले सकते हैं, रिटेल के ले सकते हैं। रिटेलर की ID 1000 रुपीज़ में मिल जाती है, और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की ID आपको लगभग 10,000 में मिलती है, जिससे आप किसी को भी ID इशू करा सकते हैं दोस्तों। रिटेलर ID लेने का चार्ज कुछ 1,000 रुपये का लगेगा, जो मैंने ले ली है, बहुत टाइम पहले मैंने ले ली थी, लेकिन उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको भी रिटेलर ID लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दे दूंगा और इस वेबसाइट के लिंक भी दे दूंगा, यहाँ से आप सिंपल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, CSC जैसी सभी सुविधाएं लगभग ये इशू कराता है, यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।